कहीं ना कहीं आपको यह भी मानना होगा कि बीसीसीआई वर्सेस विराट कह लीजिए या सौरव गांगुली वर्सेस विराट कह लीजिए, उसका भी असर दिख रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो आपके ड्रेसिंग रूम में वो कहते हैं ना, हार का डर भी फैला देता है। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं नहीं आपका बिल्कुल सनी भाई, आपका। जी जी सनी भाई, कुछ आप बोल रहे थे, सॉरी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, जो आप कह रहे हैं, ये जो हुआ गांगुली और कोहली के बीच में, उससे बाकी लोगों को क्या लेना देना है? उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, भारतीय टीम से बेहतर साउथ अफ्रीका टीम खेली, पर ये जो जो मीडिया में बातें आ रही थी, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा असर हुआ है टीम में। शायद एक जो आपने शायद अंडर एस्टिमेट किया हो साउथ अफ्रीका को, कि साउथ अफ्रीका को हम आसानी से हरा देंगे, और वो नहीं हुआ। जब साउथ अफ्रीका ने रेजिस्ट किया, तो आपके पास वो दूसरा प्लान नहीं था, दूसरा ऑप्शन नहीं था कि आप जी और भी दबाव डालें। तो शायद ये होगा, पर जैसा मैं कह रहा हूं, सबसे बेहतर होगा कि गांगुली द्रविड़ टीम को 2-3 फरवरी को, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना है, उसके पहले टीम को बिठाकर, और जो सपोर्ट दूसरे बाकी बाकी भी जो फ्रिंच प्लेयर्स है, अगर वो खाली होंगे, उनके वो मैचेस नहीं होते, उनको भी बुलाकर अगर वो कहेंगे, तो फिर अच्छा रहेगा।